दोस्तों पांच के फंडे में फिर से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज और आर बॉलिंग स्टाइल्स इन क्रिकेट, स्किडर, फ्लिपर, जूटर। देख लेते आंसर, डी ऑल थ्री आर करेक्ट। दोस्तों इट्स यूज बाय द लेग स्पिनर इन जनरल, अदर टेक्निक्स है लेग ब्रेक, गुगली, टॉप स्पिनर, फ्लिकर बार और स्लाइडर। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि यंग बंदा जो है शेन वॉर्न, ही डाइड इन द थाईलैंड इन हिज होटल रूम, सस्पेक्टेड ऑफ हार्ट अटैक एट द वेरी यंग एज, और इसी वजह से न्यूज में आया है। खास बात थी, बड़ा मंजावा खिलाड़ी था। सो ही यूज्ड ऑल टूल्स ऑफ बॉलिंग, लेग ब्रेक, गुगली, फ्लिपर, स्काइडर, बाउंसर और झूटर। अब झूटर ये इसका खास हो गया था, झूटर बॉल बाय अ लेग ब्रेकर बॉलर होता है, टिपिकली झूट दैट अलॉन्ग द ग्राउंड विदाउट मच ऑफ द बाउंसिंग, कुछ नहीं जूम हो जाता है ना। सो माइट बी अ मीथ क्रिएटेड बाय द शेन वॉर्न, ऐसा कहा जाता है। इट्स क्रिएट अ कंफ्यूजन ऑन अपोजिंग टीम, कंफ्यूज कर देता है बॉल के में जो है वो समझ में नहीं आता। सेकंड क्वेश्चन, आरवाले इज एन एक्सपेरिमेंटल टाउन इन तमिलनाडु। आरवाले मीन्स सिटी ऑफ डॉन, सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ हेवन, सिटी ऑफ ब्रदरहुड। आंसर इज सिटी ऑफ डॉन। गवर्नमेंट कमिटेड टू हेल्पिंग इन द आरवाले एक्सपेंशन प्लान अमिड रीअपॉइंटमेंट सपोर्ट टू दिस टाउनशिप ड्यूरिंग द फर्स्ट अरवाली फेस्टिवल। कब हुआ था? 150th एनिवर्सरी ऑफ द श्री अरविंदो। अब ये कब फॉर्म हुआ? तो 1968 में बाय मीरा अल्फासा, नोन एज द मदर। अभी फिलहाल में 3200 लोग यहाँ रहते हैं और काफी बड़ा एरिया है, अराउंड 3300 एकर्स का लैंड है ये। ये प्लान को कहा जाता है गैलेक्सी प्लान। देखो कितना प्यारा दिख रहा है ना, गैलेक्सी प्लान। यहाँ पे 50,000 लोग रहेंगे ऐसा ये बनाया जा रहा है, और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये इशू चल रहा है। द अरवाले यूनिवर्सल टाउनशिप प्लान जो है, प्रोस्पेक्टिव 2025 प्लान, इट वॉज अप्रूव्ड बाय द HRD मिनिस्ट्री इन अप्रैल 2021। थर्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेटिव पावर्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। वन, कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट शाल बी टेकन बिफोर इन्वेस्टिगेशन इन अ स्टेट। टू, CBI कैन फाइल अ केस इन दिल्ली एंड कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन इन साइड द स्टेट विच नॉट गिवन द कंसेंट फॉर अ इन्वेस्टिगेशन। देखो दो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहे, क्या है आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट। पहले इसमें देखो कि स्टेट का लेना पड़ता है, और दूसरे इसमें कहा गया है कि दिल्ली में यदि फाइल कर दी है केस की तो भाई इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कंसेंट की गरज है। सो न्यूज में इसलिए कि मेघालय जो है इट्स अ नाइन्थ स्टेट है ना टू रिफ्यूज टू विड्रॉ द कंसेंट टू द CBI है ना। ये सभी मैक्सिमम जो यहाँ पे है स्टेट्स है जो रिफ्यूज कर रहे हैं, वो स्टेट्स जो है जो रूलिंग पार्टी है यूनियन में यानी BJP जो है उसके अगेंस्ट में है। तो ऑब्वियसली ये टसल है फेडरलिज्म का, ये दिख रहा है। अब देख लेते हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में क्या कहा है कि स्टेट का कंसेंट कंपल्सरी है। लेकिन खास बात है NIA को ये कंपल्शन है अंडर द NIA एक्ट 2008, तो दैट मीन्स इसका ज्यूरिडिक्शन ऑल इंडिया है। दो टाइप के कंसेंट CBI को लेने पड़ते हैं, एक जनरल या केस टू केस लेना पड़ता है। दिक्कत यह आती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉय स्टेट में काम करते थे, उनको भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है तो कंसेंट लेना पड़ता था। अब कुछ एवेन्यूज है जो CBI के पास है इसके अलावा। एक कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर है जहाँ पे फ्रेश केस यदि रजिस्टर्ड करना है तो ये आराम से इन्वेस्टिगेट कर सकते, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है दिल्ली में केस फाइल किया तो। तीसरा है लोकल कोर्ट में ये सर्च वारंट के लिए बोल सकते। चौथा है CRPC का सेक्शन 166 यूज कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में कहा था कि CBI जो है एनी स्टेट में कैन स्टार्ट द प्रोब इवन द जनरल विड्रॉल जो है कंसेंट का हुआ तो भी चलेगा।
देन द फोर्थ क्वेश्चन, द लोकेशंस गिवन इन द मैप ऑफ यूक्रेन. दोस्तों यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मैप थोड़ा सा ध्यान में रखो. सीआईएस कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, क्योंकि कैसा अभी चल रहा है माहौल, तो क्वेश्चंस अलग अलग एंगल से बन सकते, तो मैंने ये क्वेश्चन बना लिया. लोकेशंस गिवन इन द मैप ऑफ यूक्रेन शोन, एयरफोर्स बेस, बिग केमिकल इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट्स, हाइएस्ट डेंसिटी सिटीज. देख लेते हैं आंसर क्या है. आंसर इज सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट्स है. कौन कौन से देख लेते हैं. सी ये एक है यहाँ पे, ये चेर्नोबिल तो आपको मालूम है, पिछले वक्त बता दिया, लेकिन ये क्लोज है, ये बंद है, लेकिन बाकी शुरू है ना. रिवनो है यहाँ पे, ये बाद में, ये जो है अकमेलनिस्की है यहाँ पे, ये जो है साउथ यूक्रेन कहा जाता है इसको, ये न्यूक्लियर प्लांट को, ये भी शुरू है. और ये झापोरिजिया, ये यहाँ पे रशिया ने हमला कर दिया है, तो इसी वजह से इशू आ गया और इसी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट लाइमलाइट में आ गए. दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि यूक्रेन का जो ये है न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो यहाँ पे है झापोरिजिया, यहाँ पे अटैक कर दिया. ये देखो यहाँ तक रशिया ने कवर कर दिया अभी, है ना, रशिया यहाँ तक, क्योंकि यह नजदीक तक आ चुका है. ऑब्वियसली यहाँ पे भी एडवांस हो रहा है, क्योंकि बेलारूस ने अपना लैंड जो है प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो ऑब्वियसली ये अभी डेंजर जोन में है, ये भी डेंजर जोन में है, ये यहाँ पे देखो यहाँ तक आ गए, तो ये भी डेंजर जोन में है, और इसी वजह से ये न्यूज में है. लास्ट क्वेश्चन, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया. वन, डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा. टू, डन बाय द स्टेट्यूटरी अथॉरिटी. थ्री, डिविजन ऑफ ईच स्टेट इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सेंसस. And fourth, must have a uniform representation of all constituencies of a state. Answer is B, 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. 1 is not. Done after completion of each general election. Each general election se nahi. After each census. Hai na? Theek hai? Right. दोस्तों न्यूज में इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन फियर्स ग्रो ओवर द होटर आइलैंड्स. ये आरोप लगाया जा रहा है कुछ लीडर के तरफ से कि डिलिमिटेशन कमीशन्स ड्राफ्ट प्रपोजल जो है इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव टू बी ज्योग्राफिकली कॉन्टिग्यूअस. एक जगह रुक, मतलब एक जगह कनेक्टेड रहे ज्योग्राफिकली, वो सोच नहीं रहे और इसकी वजह से ज्योग्राफिकल आइलैंड्स हो सकते हैं, है ना. लीडर्स कहते हैं कि भाई ये बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पटवार हल्का, है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है, यहाँ पे मल्टीपल विलेजेस रहते हैं, जरूरी नहीं है वो कॉन्टेक्ट जीएस हो यानी लक के हो, ये जरूरी नहीं है ऑब्वियसली. अब सेक्शन 9A ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 क्या कहता है, स्पेसिफिकली फोकस ऑन जियोग्राफिकली कॉन्टिग्युटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर्मेशन, यानी एक में को लग के ही हो ऐसा कहा गया, शाल बोल दिया है तो करना ही है, बराबर है. अब फिलहाल में यह रिपोर्ट बनाई जा रही है डिलिमिटेशन कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये ड्राफ्ट प्रपोजल बना रहे और विल बी सबमिट पब्लिश सून.